नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। सब लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो भी भाई बहन पहली बार वीडियो देख रहे हो वो चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी बेल को ऑल पर दबा लें। दोस्तों, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, तो आप लोगों से छोटी सी विनती है कि पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। सबसे पहले आप लोगों को खबर जो दे रहे हैं, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की तरफ से जारी एक आदेश जिसमें उन्होंने कुछ मांगों को रखा हुआ है, जिनमें पहली मांग उनकी है कि देश भर में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि वर्तमान समय में भीषण महंगाई को देखते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी आंगनबाड़ी को 25,000 रुपया, यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, दिया जाए और सहायिका बहनों को जो है 12,500 रुपया दिया जाए, यह सरकार काल दे, इसके बारे में आवाज उठाई गई है। साथ ही प्री प्राइमरी नर्सरी जो है, यानी शिक्षा को लेकर के, नई शिक्षा नीति को लेकर के प्राथमिक शिक्षकों के बराबर जो है वेतन देने के लिए भी यहां पर वो बोल रहे हैं। ICDS विभाग में बाहरी व्यक्ति संस्थान का हस्तक्षेप भी बंद कर दिया जाए, ऐसा भी उनका मांग है। चौथा मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी, मिनी और सहायिका को राज्य सरकारें 62 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की प्रक्रिया एवं शासनादेश जो जारी कर दिया है, उसको अतः भारत सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय तथा राजकीय कार्य करवाया जाता है, इसीलिए इस लिहाज से 10,00,000 रुपया रिटायरमेंट पर इनको दिया जाए ताकि इनके परिवार में भरण पोषण हेतु पेंशन की व्यवस्था भी की जाए। मुक्त रूप से जो है धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, नई दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इत्यादि लोग हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर कुमारी रंजना यादव है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की तरफ से, उन्होंने आवाज उठाई है। यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, नई दिल्ली राज्य, झारखंड राज्य, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इतने राज्यों को लेकर के कह रही हैं कि मुख्य रूप से धरने प्रदर्शन में भाग भी लिया जाएगा। तो देखते हैं कि कब कब भाई चीजों को लेकर के प्रदर्शन होते हैं। अगली खबर आपके लिए आ रही है, राजेश कुमार सक्सेना भाई जो उत्तर प्रदेश से आते हैं और इन्होंने कल जानकारी भेजी। मैंने दिल्ली धरने के विषय में भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 31 अगस्त तक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, जिसका उन्होंने, मैंने पूछा किस तारीख को रोक लगी है, तो भाई ने लेटर भी भेज दिया। 23 अगस्त को दिल्ली सरकार ने एक लेटर जो है यूनियन को भेजा है, देखो यहां पर गुलाब सिंह जी को, और इसमें उन्होंने इसी के संबंध में जिक्र किया हुआ है, COVID-19 की वजह से यहां पर जो है धरने प्रदर्शन पर रोक है इन चीजों को लेकर के, तो ये अलाउ नहीं है। तो धरने का उन्होंने जो एक वो कहते हैं ना, अनुमति लेने के लिए भाई ने लेटर भेजा था, और हर जगह जब भी कहीं धरना होता है तो विभाग सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो यहां पर दिल्ली सरकार ने उस अनुमति को जो है यहां पर रिजेक्ट कर दिया, यानी अलाउ नहीं किया है। तो आप यहां पर देख सकते हो इस मैटर को लेकर के बातें आ रही। तो अब इस धरने को लेकर के भाई का अन्य चीजों पर क्या कहना है, वो और भी कुछ कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी बूथ लेवल अधिकारी फिर वेतन क्यों नहीं, राजेश सक्सेना जी का अपना कहना है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक पर आयोजन जो है म्याऊ परियोजना की बैठक यादव भवन में संपन्न कराई गई है। मृदुल भदौरिया जी ने बताया है कि संगठन की मजबूती के लिए सभी बहनें तन मन धन से तैयार हैं, और यहां पर राजेश कुमार सक्सेना जी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बूथ लेवल अधिकारी बन सकती हैं तो फिर वेतन की हकदार क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को वेतन देकर के सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आज आंगनबाड़ी से उनका हक छीन करके स्वयं सहायता समूह को ड्राई राशन के रूप में दिया जा रहा है, जिससे आए दिन स्वयं सहायता समूह अपने को राशन का मालिक समझ करके लाभार्थियों तक लाभ नहीं पहुंचा रहा है। सरकार ने हड्डी डाल करके लड़ाने का कार्य किया है, राशन को एक तरफ किया जाए जिससे उसकी जवाबदेही तय की जाए, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर को मिले चाहे फिर पूरा स्वयं सहायता समूह को सौंप दे, यानी जवाबदेही जो है जिसको मिले वही तय करे। इस मौके पर जो है प्रवेश कुमारी और भी तमाम ये बहने वहां पर उपस्थित रही, आप यहां पर देख सकते हो। तो इस मैटर को भी आप तक पहुंचाया गया। अगली एक दुखद समाचार जो है आप लोगों के लिए हम देना चाहते हैं, प्रवेश कुमारी बहन है सीतापुर से। दरअसल सीतापुर के मछेटा ब्लॉक में एक घटना हुई, आप यहां पर देख सकते हो, ये एक्सीडेंट टाइप का, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जो यहां पर चालक है, वहां पर जीप चालक थे उनके, दयाशंकर त्रिपाठी जी, उनके बेटे का एक दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति लिख देना। इनका एक बेटा था जो कि उसकी डेथ पहले हो गई थी, और दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई। अब दोस्तों अगली खबर पर आते हैं, अफसाना बहन आती है देहरादून से, और उन्होंने भी अपने वहां से गवर्नमेंट आदेश भेजा है। हरिचंद्र जो है सेमवाल है, सचिव है उत्तराखंड शासन में, उन्होंने ये लेटर जारी किया था
23 अगस्त को, और निदेशक जी हैं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड को ये लेटर उन्होंने भेजा, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 16 अगस्त को माननीय मंत्रिमंडल की बैठक के क्रम में भारत सरकार द्वारा दी जो एक जारी दिशा निर्देश है उनके अनुपालन में टेक होम राशन वितरण के संबंध में आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 16 अगस्त के माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार THR वितरण के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार से निर्गत दिशा निर्देशों में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किए जाने के क्रम में सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिसमें उन्होंने दूसरा पॉइंट भी लिखा है कि उक्त के साथ ही मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि 16 अगस्त को माननीय मंत्रिमंडल के आदेश वगैरह ये दे दिए गए 18/8/2021 में लिए गए निर्देशानुसार THR क्रय किए जाने से संबंधित जो है पूर्व में निर्गत जो शासनादेश है जो 8/4/2021 को वहां निकला था उसको निरस्त करते हुए भारत सरकार से नवीन दिशा निर्देश प्राप्त होने तक टेक होम राशन वितरण व्यवस्था को वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित किया जाएगा। तो 8/4/2021 वाला वो लेटर निरस्त कर दिया गया है। अब नए दिशा निर्देश अभी भविष्य में आएंगे उत्तराखंड राज्य के लिए, लेकिन तब तक के लिए पिछले की तरह ही जो यहां पर चीजें सुनिश्चित की जाएंगी। तो ये एक मैटर आया हुआ है। अब आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। शिवानी सिंह जी हैं उन्नाव से और बहन ने एक जानकारी भेजी। उन्होंने कहा भैया आज हमारे यहां पर विधायक जी ने गिफ्ट दिया है आंगनबाड़ी बहनों को, रक्षाबंधन के मौके पर साड़ी भी एक एक दी है और मिठाई का डिब्बा भी एक एक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो पंकज गुप्ता जी हैं, उन्होंने यहां पर दिया हुआ है। तो ये शाम की न्यूज में बताना, ऐसा बहन ने कहा था। शिवानी सिंह बहन उन्नाव से आती है। अब बात करते हैं एक और खबर की। यहां पर पोस्टर ट्रैकर को लेकर के एक लेटर जारी हुआ है। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश में 21 अगस्त को लेटर निकाले हैं और सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भेजे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों की वृद्धि निगरानी एवं आंगनबाड़ी केंद्र की आधारभूत संरचना उसके संबंध में लेटर जो है बोला गया। इसमें लिखा गया है उनके द्वारा, आप देख सकते हो कि पोषण ट्रैकर ऐप पर जो है चीजें अंकित नहीं है, जिस कारण से यहां पर खेद का विषय बताया गया है। अगस्त 2021 की रिपोर्ट के अनुसार माह में जो है यहां पर मात्र 67 बच्चों का ही वजन ऐप पर अंकित किया गया है, जो कि खेद का विषय है। पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों का वजन अंकित करते ही उनकी सैम मैम तथा सामान्य की श्रेणी वर्गीकृत हो जाएगी। संभव अभियान के अंतर्गत अगस्त माह शिशु पोषण पर आधारित था, जिसमें प्राथमिकता पर बच्चों का वजन लेते हुए ऐप अंकित किया जाना था। तो यहां पर एक बात और कहना चाहेंगे, बहनों को इसके संबंध में प्रशिक्षण भी विभाग द्वारा मुहैया ना कराना, यह भी एक कमी इस मैटर में देखने को मिलती है। जैसा कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पुनः प्रारंभ होगा, इस हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युत एवं पेयजल की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। और जनपद में कुल 32 लिखा हुआ 3,243 आंगनबाड़ी केंद्रों में से मात्र 6 आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युत है, 7 केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था और 5 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका है। ये पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है, बाकी जमीनी स्तर का नहीं पता, तो पोर्टल पर भी होना चाहिए, जो पूर्व में प्रसिद्ध रिपोर्ट के सापेक्ष काफी कम है। इसीलिए CDPO लोगों को यह कड़ी फटकार दी गई है। जल्द से जल्द जो है ये वाला डाटा सब जो है पोषण ट्रैकर पर फीड करवाओ। कृष्णकांत राय है जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया जनपद के, उन्होंने लेटर निकाला है। इनके अलावा बात करते हैं, रीना भारती बहन देवरिया से आती, उन्होंने इस मैटर को भेजा था। अगली खबर जो आ रही है हरियाणा के यमुनानगर से आ रही है। हरियाणा वासियों ध्यान देना, अगर आप लोग जो भी जहां कहीं भी अभी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग नहीं हुई है, उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर मैंने तमाम जो है प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग जो उत्तर प्रदेश में करवाई गई है उनके वीडियो डाले हैं, बहनों के द्वारा वो बनाए गए हैं, जिस तरह से समझाया जा रहा है, अगर उन चीजों को आप देखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। अब देखिएगा हरियाणा के यमुनानगर में भी प्लेवे स्कूल में तब्दील हो जाएंगे और आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू हो गया है, जिसके चलते मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आंगनबाड़ी बहनों को जो है प्रशिक्षित करेंगी वहां की सुपरवाइजर और सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजरें जो है ट्रेनिंग दे रही है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। और यहां पर बहनें अगर चाहे तो अपने वहां पर वीडियो बना करके ऑल इंडिया पर भेज सकती हैं, हरियाणा वाली या अन्य जगह जहां कहीं भी जब जो है प्री प्राइमरी ट्रेनिंग हो और उन चीजों को ऑल इंडिया चैनल पर दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश के वीडियो भी देख सकते हो, जिन भाई बहनों को देखना हो उससे भी आप लोगों को ट्रेनिंग में मदद मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी एक खबर आ रही है। अमरोहा के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे हैं, CDO ने खुदवा दी है भवन की नींव। जानिए नींव खुदवाने की वजह क्या रही। तो नींव खुदवाने की जो वजह थी वो यहां पर मानक के अनुसार चीजें नहीं हो रही थी, तो नींव वगैरह खुदवाई गई है। ये आप देख सकते हो, यहां पर गजरौल वगैरह पड़ता है गांव छोया। आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लेते CDO चंद्रशेखर शुक्ला जी, उनके साथ में अन्य अधिकारी। तो आप देख सकते हो यहां पर इस मैटर को जो है पहले नींव खुदवाई गई, फिर उसके नाप तुलाई भी करवा ली गई है। दरअसल छज्जा गिरने की घटना यहां से पहले आई थी 1 साल पूर्व, जिसको लेकर के अब यहां पर इन चीजों पर शायद संज्ञान लिया जा रहा है। अब 21 अगस्त को ध्वस्त होकर के छज्जा गिर गया था 15 फीट
फीट लंबा। इतना ही नहीं, भवन की दीवारों में भी दरारें पड़ी हैं। इस वजह से तमाम चीजों को लेकर के अब यहां पर प्रशासन सख्त हुआ है। खैर, इन चीजों को लेकर के अगर न्यू अब खुदवाई गई है, नपाई अगर अब विभाग कर रहा है तो ये एक लापरवाही है। अगर जब बन रहा था तभी अगर जांच हो जाए, तभी इन चीजों को मानकों को चेक कर लिया जाए, तो बनी बनाई चीजों को फिर तोड़वाने में जो बेकार होता है ना पैसा, ये जनता का है, ये सरकार का पैसा नहीं है। सरकार का पैसा तो कहीं नहीं होता है, सरकार है क्या, जनता ही तो सरकार है। तो सरकार के जो टैक्सों से पैसा जाता है उसका इस तरह से दुरुपयोग भी ना हो। अब यहां पर दरअसल मैटर क्या था कि जेई जो है उनके द्वारा लापरवाही इस मामले में बरती गई है, ऐसा जो है खबर में आया है। अब देखना यह है कि जेई पर कार्रवाई आखिर हो पाती है कि नहीं हो पाती है। आगे बात करते हैं एक और खबर की। यहां पर जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती वाले, उनको सरसरी नजर में आप देख लीजिए। अलीगढ़, अमरोहा और औरैया, अयोध्या यानी फैजाबाद, बरेली, भदोही, बुलंदशहर, देवरिया, देवरिया के बाद में एटा, और एटा के बाद में फिर हरदोई, और हरदोई के बाद में फिर जालौन, जालौन के बाद में फिर मैनपुरी, और मैनपुरी के बाद में मेरठ, मेरठ के बाद पीलीभीत, फिर संत कबीर नगर। इतने जिलों में भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही है। बाल विकास UP.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, डाटा भी चेक कर सकते हो कि आपके वहां पर पद खाली है कि नहीं है। जहां जहां जैसे आती जाती चेक करते जाना। सोमवती देवी है कौशाम्बी से, उन्होंने भी अपने बाल विकास प्रधानाधिकारी को यहां पर मूरतगंज शायद लिखा हुआ है, कौशाम्बी में उनको एक लेटर भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कार्यकर्ती श्यामकली फर्स्ट और सोमवती सेकंड जो है कार्यरत है, और इनका कहना है कि जिनका अध्यक्ष द्वारा नवंबर दिसंबर 2020 का दाल वितरण नहीं किया गया है, समूह अध्यतन जो है माया देवी है, तो समूह वाले यहां पर जो है घपलेबाजी कर रहे हैं, राशन को लाकर के जो है रख लेते हैं और वितरण नहीं करते, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। इस मामले में विभाग जांच करवाए और दोषी पर जो है कार्रवाई करे। इस मामले में कहना चाहेंगे माधुरी देवी बहन बलरामपुर से आती है, एक उन्होंने तस्वीर भेजी, इनके यहां पर देखिएगा बाढ़ आ चुकी है और घर के सामने पानी पूरा भरा हुआ, रास्ते से इस पानी से जो है निकल करके लोगों को जाना पड़ता है, और ये सिचुएशन काफी जगह की है। अब बात करते हैं संजू श्रीवास्तव जो है बहन है जो की आती है श्रावस्ती जनपद से, इन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है, और इनके अलावा उन्होंने कुछ नीचे लिख करके भेजा है, भैया हमारे यहां पर राशन वितरण में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और काम भी मुश्किल हो रहा है करना, और आदमी लोग जो आते हैं वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, मारने को भी कहते हैं, कम राशन आने के कारण सबको नहीं दे पाते हैं, इसीलिए बवाल होता है। भाई साहब आपसे अनुरोध है कि ये राशन दाल तेल बंद करा दीजिए। देखो बंद करने से बंद नहीं होगा, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मैंने कहा है कि अधिकारी लेवल से आप शिकायत करें, कार्रवाई करें और फिर उन चीजों को करवाएं, या अपने मौजूदगी अधिकारियों को बुलाएं मौजूदगी में, वो वितरण कराएं तो ताकि व्यवस्थाएं ठीक तरीके से, या अपने ग्राम प्रधान को भी इन चीजों में शामिल करें। हर जगह ग्राम प्रधानों को शामिल करने के लिए आदेश भी था, काफी जगह जहां जा रहे हैं वहां पर इन चीजों की व्यवस्था अच्छे तरीके से चलती है। रही बात लाभार्थियों की, तो लाभार्थी उन्हीं को आप उन चीजों में रखिए जो वाकई में आपके वहां आते हैं। जैसे 3 से 6 वर्ष के बच्चे, अगर एडमिशन नहीं, अगर वो पढ़ने के लिए नहीं आते थे, एडमिशन भी नहीं करवाया था, तो ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करिए। दूसरी बात, और जो लाभार्थी हैं अगर उनको मानक के अनुसार नहीं आ रहा है तो उनको मंगवाने के लिए आप अपने विभागीय अधिकारियों को सूचित करिए। इनके अलावा और अगर फिर भी वो ना दे तो फिर इस मामले को डीएम से आप शिकायत करिए और उनसे कहिए कि इन समस्याओं का निपटारा कैसे होगा, लाभार्थियों के साथ हो रहे झगड़ों का। फिर अब बात करते हैं अगली खबर पर आते, राजेश कुमार सक्सेना जी, उन्होंने अपने वहां से एक तरह के मैटर को भेजा हुआ है, एक फोटो भेजी है। एक यहां पर और बहन है सुखदेवी वर्मा रायबरेली से, उन्होंने भी फोटो भेजी है, और एक ये बहन है वंदना कुमारी मुंगेर जिले से, उन्होंने भी भेजी है। एक मैटर और आया है यहां पर, परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर की शिकायत करने थाने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो यहां पर जो है सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी इन लोगों की शिकायत करने बहने पहुंची है। दरअसल ये मामला आया है बजाग वगैरह कुछ पड़ता होगा, थाना मुख्यालय बजाग है। यहां पर एकीकृत बाल विकास विभाग में कार्यरत जो बहने हैं उन्होंने अपने सुपरवाइजर और अपने बाल विकास अधिकारी के विरुद्ध में थाने में जो है यहां पर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो आप देख सकते हो इनका कहना है कि यहां पर मनमानी पूर्वक जो इनको सबको बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, अव्यवहारिक एवं जो अमर्यादित भाषा का ये लोग प्रयोग करती हैं, साथ साथ जबरदस्ती मानदेय काटने और नोटिस देकर के नौकरी से निकालने की धमकी देती हैं। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और आप देख सकते हो यहां पर इन चीजों को लेकर देखना यह कि विभाग अपने ही जो है इन चीजों को लेकर के कार्रवाई करवा पाता या नहीं। या देखिए इनका कहना क्या है, यहां पर मानसिक रूप से परेशान बहनों को किया जाता है। एक तो बहनों का यही सब कहना है कि अभद्र भाषा का प्रयोग होगा तो मानसिक रूप से परेशानी जरूर होगी। अब यहां पर विमला गोयल जी हैं बुलंद आवाज नारी शक्ति जिलाध्यक्ष की तरफ से, तो ये उनका भी अपना कुछ बयान आया है। सबके अपने अपने बयान यहां पर दर्ज कराए गए हैं। फिलहाल के लिए जांच की जरूरत है और जांच इस मैटर पर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं राशन वितरण मामले में, मैं जाते जाते एक बार और आपको दो शब्द बता दूं। देखिएगा समस्याएं वहीं पर आ रही जहां पर लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर राशन पानी कम आ रहा है तो उसके लिए आप प्रयास करिए, पहले अपने डीपीओ से आवेदन देकर के प्रयास करिए। अगर वो इन चीजों पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर अपने वहां डीएम कार्यालय में इसकी शिकायत करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। समस्याएं हैं, मैं जानता हूं विभाग या अधिकारी जो भी जहां से घपलेबाजी मचाए हैं उन चीजों पर कम से कम ऊपर तक आवाज तो जाए, क्या ये मैटर सही है कि राशन पानी ऊपर से ही कम आ रहे या नहीं आ रहे। तो इन चीजों को लेकर के भी आपको थोड़ा जागरूकता